इतनी खुश है तो आज कौन सा दिन है राजा? मुझे दिन बता दो, मेरे को याद नहीं है। आज बुधवार है। हाँ तो आज है बुधवार और अभी मैंने इनको शाम का नाश्ता दिया। राजा आज घर पे है। एसी अगर एसी वाले होते तो रुकते या तो मैं फ़ोन तो करते। तो क्या हुआ है, हम लोग शिफ्ट करने वाले थे, आप लोग को याद है। और वो उस टाइम पे हमने कुछ सामान खरीद लिया था जिसमें से सोफ़ा था, एसी था। और जो सोफ़े वाले थे वो तो रुके नहीं, सोफ़े यहाँ शिफ्ट हो गए। और जो एसी वाले हैं वो फिर भी 10 दिन से तो ऊपर ही हो गए, 15 दिन रुक गए ना, 15 दिन वो रुक गए। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम डिलीवरी कर रहे हैं। फिर हम लोगों को भी लगा कि करने तो, क्योंकि आपका सामान है आपने पे करके रखा हुआ है तो वो डिलीवरी करने के लिए दो बार इस वाले एसी को ही बनवा चुके हैं, ये भी काम नहीं कर रहे। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है कर दो डिलीवर। तो वो डिलीवर कर रहे हैं, इस वाले एसी को पैक कराएंगे। वो वाला रूम जो है बीच का, अभी हम लोग गए भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा पता है वो होता है कि वहाँ पे डेली एक जोत बत्ती कर देती बस जाके, पर हम लोग ऐसे अभी तक वहाँ पे गए नहीं है। तो पहले मैं राजा से कह रही थी कि उस रूम में लगवा दो एसी। फिर राजा मुझसे बोल रहे थे कि नहीं उसे पैक करा देते हैं, क्योंकि मीन वाइल हम लोग जब घर से वापस आएंगे, मतलब अपने घर से वापस आऊँगी तो हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो प्लान ऑन है, अभी प्रॉपर्टी डीलर को ठहरा के रखा हुआ है। उसने घर एक दिखाया था जो कि ऊपर था, नीचे मकान मालिक थे। तो हम लोग सेपरेट ऐसा घर देखना चाह रहे हैं जो जिसमें थोड़ा सा ऐसा हो कि अगर डुगू कभी रो रहा है कुछ, कोई डिस्टर्ब ना हो, और वही है कि पेट से किसी को इशू ना हो। तो वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं ऐसा वाला घर ढूंढ रहे थे। फिर उसने ऐसा ऊपर वाला दिखाया, फिर मैंने बोला अच्छा घर था पर वो, पर फिर मैंने राजा को बोला थोड़ा सा होल्ड करा दो इसे, क्योंकि अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो घर से घर जाके आने के बाद फिर मैं शिफ्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान रखा हुआ है सेफ रहेगा। और कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो सेफ्टी पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग ना एसी वाले को देख रहे हैं अभी। एसी वाले ने बोला था कि वो 3:30 बजे आ जाएगा। तो राजा ने उसे बोला 2:30 बजे आ जाना, क्योंकि फिर मेरे को ऑफिस जाके आना, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर राजा रुक गए थे। फिर अभी 4:30 हो रहे हैं एंड वो आया ही नहीं, उसको कुछ पता नहीं है। डुगो भी सोया हुआ है पता। तो जब तक वो लोग आते एसी फिक्स करने, मेरे को लगा गैस क्लीन कर लेते। तो गैस ना बहुत 3-4 दिन से क्लीन नहीं हुई थी। मतलब मेरी जो हाउस हेल्पर आती है ऊपर ऊपर से कपड़ा मार के चली जाती है, और मैं थोड़ा सा उसमें थी, जैसे मैं व्लॉग भी जो थी, मतलब व्लॉग भी थे वो मैं नहीं डाल रही थी। और उसी बीच में डुगू भी उठ गया, और डुगू को मैं गोदी में पकड़ के फिर गैस क्लीन कर रही थी कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि ना एक बार अगर काम फैला हुआ है उसे आप नहीं करोगे तो फिर और ज़्यादा लाइक गैस है वो स्टिक होती जाएगी, तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निपटा रही हूँ, और साथ में जो वापस आने की कोशिश भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बैक टू लाइफ। क्योंकि बहुत दिन का रेस्ट मैंने लिया है। बीच में मैंने 1-2 दिन ब्लॉग डाले थे क्योंकि मुझे कंपनी की कमिटमेंट थी जो कि पूरी करनी थी, अदरवाइज़ मैं बहुत लंबा गैप ले लेती। तो क्योंकि डुगू जो है वो उठा है, इसीलिए मैं उसे पहले पानी पिला रही हूँ, और पानी पिलाने के बाद मैं उसे उसका मुंह क्लीन कराऊंगी। राजा के पास कॉल आ रही थी, वो लोग आने ही वाले थे। तो यहाँ पे डुगू को मैंने खाना खिलाया, तो मेरे ना कुछ लैपटॉप में भी दिक्कत हुई थी, तो बहुत सारी क्लिप्स जो हैं वो करप्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं उसे खाना खिला के उसे मैंने टमी टाइम दिया है, और वो यहाँ पे क्रॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, प्लस वो खेल रहा था। तो ये मैट वॉकर और बैठ के लेट के हर तरह से खेलना पसंद करता है। हाँ, पर लेटना इसे अब ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसे वॉकर पे कर दिया क्योंकि वो लोग आ गए थे। और यहाँ से मैं जल्दी से जो मैट है वो उठा दूँगी और इसे मैं क्लीन कर दूँगी। बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं। कले कुकु कुकु, वो फैन देख रहे हैं। ए एसी, तो एसी वाले आ गए हैं, तो अभी वो आउटडोर निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर ये वाला एसी निकलेगा। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, 2 बार आउटडोर ठीक करा दिया, पिछले साल भी कई बार कराया है। पीछे वाले रूम का जो एसी है वो जो है वो काफ़ी पुराना है,
वो एसी 2012 का है, लाइक 10 साल हो गए इस एसी को, और ये एसी जो है ये 3-4 साल पुराना है, वैसे नाटक करके रखा है, वो एसी 10 साल से चल रहा है। ये ब्लू स्टार का है, जबकि पता नहीं आउटडोर एक बार देखना पड़ेगा, सब सही कराना पड़ेगा। तो अभी राजा छत पे ही हैं, तो अभी काम करा रहे हैं, और कूलर मैंने भी लगाया था भरने के लिए, कूलर भर रहा है, बस ये भर गया, इसको अंदर लाना पड़ेगा, पानी थोड़ा सा ना चू लीक हो रहा है। और हाँ 1 2 3 का इतनी खुश फिल्टर ऐसे जैसे उसके खुलते वैसे ही खुलता होगा ना, ये नॉर्मल साफ होता है, पीछे से खुलते ऊपर से खुलते हैं, ऊपर ही रहते हैं, इसको नहीं है ऐसे उठा। हाँ हाँ जी, हाँ जैसे उसके है ना वैसे ही होंगे ना वो, उसके उसके भी वैसे ही है ना ऊपर से, इसमें यहाँ आग नहीं लगा। अच्छा अभी जब लग जाएगा तब बता देना, यहाँ नहीं है। हाँ यहीं है। अच्छा खोलना है तो ऊपर से खोलना पड़ेगा। तो अद्वैत को गाने सुनने और अभी डांस करेगा, और रूम का हाल देखिए, अभी पूरा रूम जो है वो भी फैला हुआ है, एसी तो लग गया, और यहाँ पे अद्वैत चलो गाने चला रहे हैं। हाँ चला देखो, अभी चलेगा अद्वैत चलेगा। हाँ मेटू चल रहा है, मैं भी कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर रही हूँ, हाँ मार रहा है मुझे। डुगू हॉल में सो रहा है, क्योंकि अभी ना यहाँ पे जब एसी लग रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी,
करेंट टेम्परेचर आप लोगों के यहाँ पे कितना चल रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि जल जाएंगे ऐसी गर्मी हो रही है। और ऊपर का गर्म लोगों का, तो ऊपर का घर बहुत गर्म आता है। नीचे के घर से हम जाते थे ना पहले मम्मी पापा के पास, तब नहीं गर्म आता था ऐसे, तो नहीं गर्म आता। तो अभी ए सी ट्रायल पे लाइक कर रहे हैं, और वो वाला जो ए सी निकला है उससे फिर हम बीच वाले रूम में रख रहे हैं, जो हम शिफ्ट करेंगे उसे लगवा नहीं रहे हैं, तो तीन रूम में ए सी हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब जाके थोड़ा जो काम है वो निपटा है। एसी लगाने में करीबन दो तीन घंटे, तीन घंटे से ऊपर लग गया। निकला भी जो है ना, निकला है, पहले निकला है और उसके बाद फिर लगा है वो वाला एसी। अब एक और रूम में यूटिलाइज हो जाएगा। हॉल में हम लोग पहले सोचते थे लगवाने की, पर हॉल में फिर हमने टेम्पररी कूलर ही लगवा लिया क्योंकि हॉल ब्लॉक नहीं था और नहीं लगवाया हमने। अब हम नहीं चाह रहे थे कि हम फिर कहीं लगवाएं और फिर इतनी सारी जगह से एसी वो हो। तो जो एसी है ये पेंडिंग था, हम लोग उस टाइम पेमेंट करके आ गए थे, और ये वाला और सोफा। तो अभी तो ये दोनों चीज जो है वो लगी गई। राजा हमने साथिया नहीं बनाया इसी साथी ऐसे होता है ना, ऐसे अब तो होता ही नहीं है ऐसे सामान आ जाता है घर में। पहले कम से कम नहीं होता था, ये कुछ होता तो मिठाई उठाई खिलाते थे या फिर खाते थे हम लोग। हम लोग तो यही लग रहा है, मैं तो टकली हूँ सच में लग रहा है क्या नहीं बाल कम नहीं या फिर रिफ्लेक्शन है या कुछ ज्यादा लग रहा है, इतना भी नहीं हो देखती या ज्यादा ही टकली नहीं आई थी रिफ्लेक्शन आ गया पता नहीं क्या। तो अभी जो है क्या बोलते हैं ये लग गया है। हम लोग का जो वो वाला एसी है वो पैनासोनिक का है, टू स्टार, जो पीछे मेरे मेकअप रूम में, वहाँ बहुत जरूरत पड़ती है अगर मेकअप वेकअप करो, बहुत गर्मी लगती है। पैनासोनिक का टू स्टार वो 10 साल हो गए इसको, 10 साल 12 में मई में लिया था हमने, एग्जैक्ट 10 साल हो गए। हाँ 2012 में मई। आ जाओ ना बेबी अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करना, एसी नहीं काम करेगा नहीं तो। आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने चाय बना के रखी हुई थी और चाय छानी नहीं, मेरे को लगा यार हेडेक हो रहा है मुझे। नहीं इनको हम लोग क्या छत पे आउटडोर लगा रहे थे तो इनको लगा इन लोग चले गए, बहुत बुरा लगा कि उनके लिए चाय नहीं बना पाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्रूटी ठंडी है गर्मी का समय कुछ ठंडा हो जाए तो मैंने फ्रूटी पिलाई फिर। हाँ वैसे अच्छा फ्रूटी फ्रूटी रहती है चाय, कहाँ चाय प्रेफर करते हैं वो बन जाती है एक्स्ट्रा। फिर मैंने बोला अब क्या करना है, तो राजा ने बोला कि एक काम करते हैं रोटी दे देता। इसमें एक चीज खराबी है इसके रिमोट में, इसमें लाइट नहीं जलती। अब रात को किसी को अपना चेंज करना है, टेम्परेचर कम करना है, स्विंग ऊपर नीचे करना है, ये गलत है ना शोनी, ये क्या है अपने इतने महंगे एसी में अपने ने ये कंज्यूस ही कर दिया। मेरी छोटी सी बच्ची को देखती रहती हूँ मैं तो। रिमोट इसका रिमोट भी इतना खास नहीं है, उसका रिमोट देखो कितना अच्छा है। वो रिमोट क्या है? ब्लू स्टार का। ब्लू स्टार का तो लगता है कि कुछ है वो। अच्छा ये डोगो का फेवरेट रिमोट है। I love you. देखो I love you. देखो I love you. कर दो हैं? कैसे करता है देखो? बहुत पाप ना बनने जब बनने का फायर हूँ मैं। तो रात भर डुगू के समय मस्ती छा रही है ये, 11-12 बजे सो जाता है और 2-2.5 बजे उठ के 4-5 बजे इतनी मस्ती पूरे बेड में, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। मतलब हम लोग का इस समय एक हफ्ता हो गया कम से कम, एक हफ्ते से हम लोग को सोने नहीं मिल रहा है रात को। अभी तक दिक्कत नहीं करता, मतलब बाबू सो जाता था अब तो सो ही नहीं रहा है, तो 5-6 बजे हम लोग सो रहे हैं, मेरे को ऑफिस जाने में भी लेट हो जा रहा है। लाडवा मस्ती करती मेरी बच्ची तो लाडवा, और पहले कॉर्ड में लेटा जाते थे तो बेड पे नहीं आ पाता था, लेकिन अब डुगू कॉर्ड से बेड पे आ जाता उल्टा सीधा होके, है ना, और मैं बेड से कॉर्ड पे भी चला जाता हूँ। इतना प्यारा हो गया डुगू तुम्हारा। अरे ये देखिए देखिए देखिए, हाँ हाँ कॉर्ड पे पहले हम लोग अपना थोड़ा काम कर लेते थे, लटा के उसका गाना चला देते, गाना देखता रहता था, कैमरा लगा रहता था, हम लोग देखते रहते थे
लेकिन अब तो कोर्ट से भाई साहब आने लगे हैं बेड पे और बेड से सीधे कोर्ट पे। देखो तो खेलेंगे। अच्छा नेट ना बिल्कुल पसंद नहीं है खेलने के समय। देखो मैंने चाकू उठाया ही था और इसने रोना शुरू कर दिया। इसके पैर देखिए पता है पूरा टाइम वॉकर में रहते हैं, इतने गंदे पैर डुगू के होते नहीं, एकदम साफ रहते। आपको लग रहा है साफ ही तो है, नहीं साफ नहीं, मिट्टी लगी हुई है उसके पैर में। तो मैं सोच रही हूँ इसे सैंडल पहना के घर में घुमाऊँ, ये देखें। और अभी मैं इसको वापस से वॉकर में रख रही हूँ, ये यहीं पर रहेगा मेरी नजरों के सामने। और मेरे को पता नहीं यार रोना भी लग सकता है। तो राजा आते हैं फिर देखेंगे, जब मेरे खाना नहीं बनाने देंगे। वैसे हम लोग बहुत लेट हो गए, पापा दूध ला रहे ना बेटो। तो अब मैं दाल जो है वो कर रही हूँ, तो मैं सांभर बना रही थी तो दाल मैं भिगो रही हूँ। और जो सब्ज़ियाँ थी घर में, सब्ज़ियाँ भी बहुत टाइम से थी, पता है बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग की लाइफ में चल रही थी। आप लोगों ने जैसे कि देखा है मैं ब्लॉग शूट कर रही थी पर एडिट नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना ऐसा हो रहा था कि मेरा पता नहीं अंदर से हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, मेंटली सही होती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मैं हर दिन ब्लॉग में आके अपने दुखड़े रोऊंगी या कुछ भी होगा ना, तो आपको मैक्सिमम लोग समझते हैं, बट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है, रोना शुरू कर देती है। तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, पैसा ज़रूरी है क्योंकि व्लॉगिंग के थ्रू आप कमाते हो। और मैंने हमेशा कहा है कि हाँ यार कोई भी अगर यूट्यूब कर रहा है तो ये नहीं कि यार क्या बोलते हैं, हम आपके लिए जो भी सब्सक्राइबर्स पे एहसान जताता है ना, तो बिल्कुल मत सोचिएगा वो इंसान खुद भी कमा रहा है। तो वही है कि मेरे को लगा पैसा ज़रूरी है पर इतना ज़रूरी नहीं है कि जिसमें अपना मेंटल पीस ख़राब कर दूँ। इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए ताकि मैं एक अच्छे से उसके साथ बैंग लाइक अच्छे से बैक वापसी आ पाऊँ और अच्छे से मूड में रह पाऊँ। और डिगो भी वॉकर में खेल रहा है, मुझे देख के हंस रहा था। तो ना यहाँ पे राजा करी पत्ता जो है वो भी ले आए थे और मैं यहाँ पे इमली जो है वो भी खो रही हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि अच्छे से आओ, मेंटल स्टेबल हो के आओ, मतलब अच्छे से आओ, मेंटली स्टेबल हो के आओ। तो वो हल्ला करे, आपको डुगू की आवाज़ पीछे आएगी क्योंकि वो अभी खेल रहा है। और वॉइस ओवर मुझे उसी के साथ करना पड़ता है क्योंकि आजकल वो सोता नहीं है उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग का काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो सब्ज़ी है वो भी वॉश कर रही हूँ और जल्दी से सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो वही बातें हैं, जैसे हम लोगों के घर में कुछ भी होता है कभी भी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता है, बस हाँ ये पता चलता है कि ये बंदा नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो हम लोग पता गैप मार लेते हैं। बट चीज़ों को सामने मत आने दो क्योंकि व्लॉगिंग थोड़ा बहुत पर्सनल है पर्सनल, पर कुछ बहुत ओवर पर्सनल है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। चाहे राजा से मेरी कभी हो जाती है, कोई आपके साथ रहता है तो आप लोगों की थोड़ी बहुत होती है, पर नहीं इट्स ओके आप एक दिन गैप मार लेती हूँ मैं अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि मेरे को पता है उस दिन मन ही नहीं करता है काम करने का। और फिर उस बात को अगर मैं उस दिन ब्लॉग करूँगी तो वो मेरे चेहरे पर दिखेगा ये कुछ हुआ है। तो इसीलिए मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी वो होगी। तो जिस दिन ये ब्लॉग जा रहा है, गूगल को गए हुए 10 दिन हो गए हैं, थर्सडे गया था सैटरडे, हाँ 10 दिन मतलब 10वां दिन है। हमें उसके नाम की पूजा भी करानी है, अभी पंचक चल रहे हैं, पंचक के बाद फिर हम उसके नाम की जो पूजा है वो भी कराएंगे। तो लाइफ में अप डाउन चलते हैं, चीज़ें चलती हैं, थोड़ा टाइम दो तो चीज़ें हील भी होती है, पर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं सांभर बना रही थी, आज सांभर मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने ना पहले दाल और सब्ज़ियाँ मिक्स करके मैं चढ़ा देती थी, पर अब मेरे को लगा तड़का लगा के करी पत्ते का और सब्ज़ियाँ फ्राई करके फिर दाल डाल के फिर मैं सांभर जो है ना उस तरह से बनाऊँगी। और गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, पता अभी बात करते करते आपको फ़ैन ऑफ करना पड़ता है एंड होता है। तो अब मैं जो है अच्छी से मतलब रेगुलर व्लॉग आएंगे और रेगुलरली मतलब डेली बेसिस पे जैसे आते थे तो वैसे ही आएंगे। टाइम मैं एक सेट कर दूँगी, तो मैं दिन ही का टाइम सेट करूँगी क्योंकि शाम में हो नहीं पाता आजकल, बहुत सी चीज़ें बदली हैं क्योंकि जैसे जैसे ना डुगू बड़ा हो रहा है उसकी टाइमिंग चेंज हुई है, इन लाइक वेरी अलर्ट और उसके साथ पूरे दिन लगे रहना पड़ता है, खेलना पड़ता है, उसे प्रॉपर टाइम चाहिए, वो होता वो नहीं करता है। तो इसीलिए अब से जो ब्लॉग की टाइमिंग है वो दिन में होगी और एक प्रॉपर टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ियाँ भून ली हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें दाल डाल दूँगी और फिर हम जो अपना सांभर है वो चढ़ा लेंगे। तो बस ये सब चीज़ें चल रही थी और मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था एंड आप लोगों ने समझा भी,
बहुत सी चीज़ें थी जो नेगेटिव जा रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे, फिर मेरे को लगा बहुत ही पीसफुल माइंड से जिसको जो बोलना है बोलते रहो, जिसको जो करना है करते रहो। पर मेरे पास ये कमेंट भी आ रहे थे कि मैं अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दूं, पर मैंने आज तक कमेंट सेक्शन बंद नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा जो मैं अपना कमेंट सेक्शन बंद करूंगी। हाँ, मैंने एक वीडियो में कमेंट जो थे वो लिमिट कर दिए थे, लाइक होल्ड एंड रिव्यू, लाइक पढ़ने के बाद मैं उन्हें पब्लिश करती, बट बाकी उसमें मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मैं कमेंट सेक्शन भी बंद करूंगी। तो चलिए अब डुगू का खाना बना लेते हैं और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, है ना बाबू। मैं ये वाले ओट्स यूज़ कर रही हूँ, ये प्लेन है, इसमें मसाला है बट इसमें डला हुआ है ये पैकेट, ये तो जो मसाला है ये मैं यूज़ नहीं कर रही इसके लिए, तो ये वाला ओट पूछ रहे थे। तो आज इसे मैंने जीरा डाला, थोड़ा सा घी डाला है, 2 चम्मच ओट्स लेके बनाने हैं मुझे, और मैं इसे सिम पे ना 3 सीटी पे बन जाए क्योंकि आलू भी है ना। नानू बेटू डगो यम यम करें, यम यम 1 2 इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। एक कटोरी पानी, मैंने पूरा चढ़ा दिया है और अब बस तड़का लगाना है। चावल बन गए हैं, बन गए, थोड़ा एसी वो करके रखा था। इट्स वेरी डेंजरस, मुझे बहुत डर लगता है, और पता है मैं डर किसके लिए रखता है? बोलो के बोलो, फिर डर लगता है। हाँ दोस्त आ गया तुम्हारा। ए कुछ क्या बोलो, मैं लो डुकू से बोलो, डुकू से मिल ले, वो देखिए कितना एक्साइटेड होता है। नहीं आ रहा है पापा, बुलाता है पते से। नहीं आ रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मिल लो, हाँ मिल लो, मिल लो, आ ये 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 थोड़ा सा आगे करो, खुद ही जाएगा, मुझे डर लगता है यार इससे। भाग गया वो, तूने बहुत परेशान किया उसे, इसे बहुत परेशान कर दिया उसे। आज दिन से पता बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अरे बाल एकदम चॉप करा लो ना, अभी तो फिलहाल डुगू भी बालों से परेशान है, है ना, है ना। तो ये अब हम आराम से बैठ गए हैं, थोड़ा टीवी देखेंगे ताकि रिलैक्स हो, कोई वेब सीरीज वगैरह देखते, बस यही करो, है ना। इसको हमने यहाँ पे कर लिया है क्योंकि ये मार देगा अगर हम बैठ ही नहीं पाएंगे अगर वो वॉकर के ऊपर। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बस तड़का लगाना और खाना देना, डुगू का खाना एंडिंग में डाल दूंगी मैं सब कुछ। तो बाय बाय, लव यू ऑल, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाय करो, बाय बाय, अच्छा बोल दो, बाय कर दो, बाय।